हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट काम करने, बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों से ये पेंडिंग था बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं निकल नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली मैंने अपने लिए टाइम निकाला है और मैं जा रही हूँ। अगर मेरा वो टाइम, मतलब सॉरी, वो मेरा काम जल्दी से निपट गया तो फिर मैं शायद कहीं घूमने भी जाऊँ। ओह माय गॉड, देयर इज सो डॉगी, इतने सारे कुत्ते यहाँ पे, तो मेरे को डर लगता है कुत्तों से बहुत। तो एक दो तीन चार कुत्ते हैं यार, इतने सारे डॉगीज हैं भाई साहब, डर लग रहा मुझे, बहुत डर लग रहा है। बस कुछ ना कहें, कुछ ना कहें मुझे, ला 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 ला। अली में बात हो गई अल्लाह अल्लाह करके, उन्होंने कुछ नहीं कहा बट मुझे बहुत डर लगता है डॉगी से। तो चलो ठीक है, हमने डेंजर वाला एरिया क्रॉस कर दिया है, अब बस मैं जा रही हूँ जल्दी से, मेरा काम हो जाएगा और फिर मैं देखती हूँ कहाँ जाऊँगी। अगर कहीं जाऊँगी आई शो यू, नहीं जाऊँगी तो सीधा घर जाऊँगी। बट गर्मी हो गई है यार, इतनी बारिश भी हो रही थी फिर भी अचानक से फिर से वैसा ही वेदर हो गया यार। मतलब जब तक बारिश होती है जब तक तो ठीक है, जैसे ही बारिश रुकती है फिर वही गर्मी गर्मी गर्मी। यार कितनी गर्मी है भाई साहब, यूपी में ही नहीं है, दिल्ली में भी है, सब जगह बहुत गर्मी है भाई। उफ, हालत ख़राब हो गई। उफ, दुपट्टा पहन लेती हूँ, थोड़ा सा आराम मिलेगा। फिर मैंने जल्दी से ऑटो किया और मैं उसमें बैठ गई। वाओ वेदर देखो कितना क्लासी हो रहा है, मतलब कितना अच्छा हो रहा है। बस बारिश के बाद वेदर तो ओए होए मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये आंटी लोग बहुत सारी बातें कर रही थी तो मैंने इनका म्यूट कर दिया क्योंकि नहीं अच्छा लगता यार, वो लोग अपनी बातें कर रहे थे इधर उधर की, घर की ये सब। तो लेकिन यार वेदर तो देखने लायक हो रहा था, मुझे मतलब दिल खुश हो गया था। इतने दिनों के बाद मैं घर से बाहर गई थी और ऐसा वेदर देखने को मिला, ओह माय गॉड मज़ा आ गया था मुझे कि देखो मैं कितना इंजॉय करती हूँ। वाह, ठंडी ठंडी हवाएं, इतने दिनों के बाद धूप देखने को मिली है जो कि गर्मी कर रही है लेकिन कोई नहीं, मैंने तो अपना फेस इसीलिए हाइड करके रखा हुआ है और मैं ऐसे भी रखती हूँ तो इट डजंट मैटर। थोड़ा वॉक करना पड़ता है तो मैं वॉक कर रही हूँ और देखो मेरी सांस फूल रही है क्योंकि इतने दिनों से मैं कभी गई नहीं, मैंने वॉक ही नहीं किया, तो आदत नहीं रही। जब आदत थी तो आई कैन वॉक बट अब मेरी आदत नहीं रही है बिकॉज मैं कहीं जाती ही नहीं, घर में रहती हूँ, आदत नहीं है बिल्कुल भी चलने की, बिल्कुल आदत नहीं है। ओह आई कैन टॉक, ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ फिर बोलती हूँ। मेरे हाथ में भी दर्द हो गया है, रिकॉर्ड नहीं कर पा रही मैं, रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, प्रैक्टिस नहीं रही यार बिल्कुल। मुझे लगता है मुझे रेगुलर होना पड़ेगा अब। ठीक है मैं ज़रूर होंगी, फिलहाल तो मैं आ गई हूँ, मिलती हूँ इसके साथ। हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ घर और काफ़ी वक्त हो गया तो काम हो गया मेरा, पर अब इतना टाइम नहीं है कि मैं कहीं और जाऊँ कुछ खाने के लिए। वैसे मन तो बहुत कर रहा है अपनी फेवरेट जगह जाने का लेकिन हो सकता है मूड चेंज हो जाए मेरा। मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और फिर मेरा मूड चेंज हो गया था तो फिर फटाक से मैंने ऑटो किया और फिर मैं अब जाने लगी हूँ जहाँ का खाना मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी, मतलब मेरा अगर कुछ भी बाहर का खाने का दिल करता है ना तो सिर्फ एक वही जगह है बरेली के अंदर जहाँ मेरा जाने का दिल करता है, अदरवाइज कुछ भी ऐसी चीज़ें उल्टी सिल्टी दिल नहीं करता और वो ऑर्डर भी की जा सकती है। लेकिन वहाँ से वो गरम गरम खा के ऑर्डर करके वहाँ बैठ के खाना, ओह माय गॉड मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं निकल चुकी हूँ और बरेली में रहने वाले लोग बताएंगे वो सारी चीज़ें, मतलब नोटिस करेंगे कि ये कौन कौन सी जगहें हैं। ठीक है तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये कौन सी जगह है और ये मुझे बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं, ये जो होता है ना छोटा सा ऑटो होता है, छोटू सा, इसमें मुझे मज़ा आता है। मैं मतलब प्रेफर करती हूँ इसी ऑटो में बैठना क्योंकि इसमें हवा लगती है, मज़ा आता है, इन्जॉय करता है इंसान।
देखो मुझे कितनी खुशी हो रही है क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद वहाँ जा रही हूँ। तो ये चौराहा कौन सा है ये ज़रूर बताएं, जो बरेली में रहता है उन्हें पता होगा कि ये कौन सा चौराहा है और बरेली का ये कौन सी जगह है जो कि बहुत खूबसूरत है। हमारा बरेली में ये सबसे अच्छी जगह यही होती है, मतलब सच में यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं होता। देखो खाने पीने की जगह है और मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट जगह पे। ये जो काला खट्टा यहाँ का मुझे बहुत पसंद है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट प्लेस पे, अपने फेवरेट मोमोज खाने, पनीर वाले, फ्राइड वाले। देखो और ये कौन सी जगह है ज़रूर बताना, जो लोग बरेली में रहते हैं वो लोग ज़रूर बताएं ये कौन सी जगह है, कमेंट में करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आ गई हूँ अपनी तो ये आप लोग ज़रूर बताना ये बरेली की कौन सी जगह है, ठीक है। ये है मेरी फेवरेट जगह। तो मैं आ गई हूँ तड़का बरेली, मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पे मुझे यहाँ के मोमोज मुझे बहुत पसंद है, यहाँ के फ्रेंड राइस मुझे बहुत पसंद है और हाँ बस दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती, चाउमीन में खाती नहीं। तो मुझे दो ही चीज़ें बहुत पसंद है तो मैं खाने वाली हूँ फ्राइड पनीर मोमो यम। और ये देखो मैं अकेले ही आई क्योंकि मैं अकेले ही जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है, दोस्त यहाँ पे रहते ही नहीं है। तो मैं अकेले हूँ, मैं अकेले आती हूँ। और ये है मेन्यू कार्ड जो मैं देख रही हूँ, बस टाइम पास कर रही थी अपना क्योंकि मैं ऑर्डर तो कर चुकी हूँ, बस ऐसे ही बोर हो रही थी यार, अकेले मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अकेले चली गई थी, सडन ऐसे प्लान बन गया था मेरा जाने का, बाहर गई थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा खा पी भी लेते हैं, लिटरली भूख लगी थी यार और मैं बोर भी हो रही थी। मैं वेट कर रही हूँ, मैंने ऑर्डर किया है पनीर फ्राइड मोमोज, देखो कितनी देर लग आते हैं यार, बहुत देर लग रही है, जल्दी कर दो भैया, भूख भी लगी है सच बताऊँ तो, क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग। वेदर भी बहुत अजीब सा हो रहा है, घर जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, दिखा के मैं घर जाती हूँ, बारिश हो गई तो वाट लगेगी वाट। यार वेदर भी बहुत अजीब सा हो रहा है, वेदर गंदा होने वाला है, जल्दी से फटाफट खा के निकलती हूँ घर के लिए। और ज़्यादा कुछ खा नहीं आज यार क्योंकि बोरिंग दिन था, इनफैक्ट मैं बहुत अजीब सी होती जा रही हूँ यार, मेरा दिमाग ना काम करना बंद कर दिया है, कुछ बोल ही नहीं पा रही, मतलब समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है चुप रहो कुछ बोलो मत, अब आप लोग कहेंगे मत बोलो। अब बोलना ज़रूरी है यार, बोलना भी पड़ता है, बिना बोले कैसे समझ आएगा आप लोगों को बताओ, कैसे समझ आएगा, नहीं आएगा ना तो बोलना पड़ेगा, इसलिए हम बोलेंगे, पता ही नहीं कुछ भी बोल रही हूँ मैं, कुछ भी बोल रही हूँ। जल्दी ले आओ भैया, भैया इसका एपिक वर्ड ना, कुछ भी बोलो बात भैया, ये कर दो भैया, ये कर दो भैया, जल्दी कर दो भैया। बेचारे लड़के भैया ही बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे ब्रो, हाँ ब्रो बोल सकते हैं। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो फटाफट जल्दी से, ओके बिना देर किए, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूंगी, ब्लॉग डालूंगी या फिर शॉर्ट डालूंगी तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि फटाफट आप जल्दी से आके पहले व्यूअर बनो और मेरी वीडियो देखो। ओके उसके पता है क्या हुआ था, यहाँ पर लड़ाई हो गई, और देखो यहाँ ना अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई थी ओनर में और इस लड़के में, बहुत तेज तेज से शाउटिंग कर रहे थे, ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं यार यहाँ पे लोग आते हैं डिस्टर्ब होते हैं, बट नहीं इनका चलता रहता है वैसे ये हमेशा का है। हमेशा आपको ये सब देखने को मिलेगा जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ चीज़ें खाली हो ही जाती हैं, सब कहते हैं देखो। और यहाँ पे अब लोग आने शुरू हो गए हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर अब भीड़ सी लग जाएगी, पूरा फुल हो जाता है ये, कभी कभी तो जगह भी नहीं मिलती, इतना फुल हो जाता है, वेटिंग में रहना पड़ता है बाहर।
और देखो यार, मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ, इन लोगों ने मुझे आज सच में इतना वेट कराया, इतना मैंने कभी ज़िंदगी में वेट नहीं किया यहाँ पे खाने के लिए। मैं कब से वेट कर रही हूँ यार, मैं कह रही हूँ भैया प्लीज़ जल्दी कर दो, मुझे भूख लगी है, थोड़ी सी देर मैम प्लीज़, थोड़ी सी देर कर करके इन्होंने मेरा तो सच में दिवाला निकाल दिया यार, इतनी भूख लग रही है मुझे, क्या करूँ अभी। सोफी देखेगी वो ज़रूर कहेगी चुपके चुपके अगले के लिए चली गई, लेकिन मुझे और काम भी था इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आई, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे ज़रूर लेकर आऊँगी क्योंकि उसे भी बहुत पसंद है, मैंने उसकी भी आदत ख़राब कर दी है। मतलब मैं उसको दो तीन बार यहाँ लेकर आई हूँ, घर पर तो वो खाती रहती है, मंगाती रहती है मतलब, तो वो खा लेती है, तो अब मैं आई हूँ, वो मेरे वीडियो ज़रूर देखेगी कहेगी बिना बताए अकेले अकेले चली गई, अब ही बताया नहीं, तो कोई बात नहीं मैं ले आऊँगी अगली बार। सो फाइनली मेरा ऑर्डर वो लड़का लेकर आ रहा था और मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि फाइनली मेरा फूड आ गया जो मैं जल्दी से खाने वाली हूँ। देखो मुझे मतलब यार इतना वेट कराया, लिटरली मैं कितना वेट कर रही हूँ, पूरे ब्लॉग मेरा वेटिंग में निकल गया, बताओ यार इतनी देर में तो मैं कितना बरेली घूम लेती, लेकिन कोई बात नहीं है यार, अब आ गया खाना, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं खाना। और मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर रही थी कि कोई मैं पिक ले लूँ या मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ खाते वक्त, बट पॉसिबल नहीं था, अकेले ब्लॉगिंग करना इट्स वेरी टफ यार, बहुत यमी थे, मज़ा आ गया था पहले बाइट में ही, मतलब वेट जो था ना वो एक बाइट लेने के बाद ओ माई गॉड ख़त्म, सुकून मिल गया मुझे, मुझे बहुत पसंद है यहाँ के पनीर मोमोज़ पास, जिसने भी नहीं खाया ना वो सच में ट्राई करे, अगर जिसे मोमोज़ पसंद हैं वो ट्राई कर सकता है, बहुत यमी होते हैं इनके पनीर मोमोज़, वेज मिलता है यहाँ पे सब कुछ, लेकिन होता एक नंबर है खाना यहाँ का सच में, ट्रस्ट मी गाइस, मैं खाने में बहुत ज़्यादा। फिर मैं यहाँ से निकल गई थी, लेट हो गया था, मैंने फटाफट खा के फिर मैंने निकली, देखो यहाँ पे लोग बैठे हैं, बाहर खड़े भी थे जब मैं वहाँ से निकली थी, ऐसे ही चलता रहता है यहाँ का वेटिंग चलता है थोड़ा, इनके बराबर में भी है यहाँ पे भी, मतलब ये पूरा इस टाइम पे शाम के वक्त तो ना ये तुम्हें बिल्कुल ही फुल मिलेगा पूरा ये एरिया, और अच्छा खाना मिलता है तो लोग ज़रूर यहाँ आना पसंद भी करते हैं। फिर यहाँ अजंता पे मैं आई थी, मेरा कुछ मीठा खाने का भी दिल कर रहा था, पता है लाइफ में पहली बार मैंने कुछ खाने के बाद मीठा पहली बार ही खाया है, सच में मैं बहुत कम खाती हूँ, या तो कोई इसे दोस्तों के साथ कोई फोर्स करता है निखालो खा लो, तो नहीं तो घर में तो कभी मैं खाई ही नहीं, मुझे मीठा मतलब पसंद ही नहीं है खाने के बाद, तो बिल्कुल नहीं है, वैसे तो है ही नहीं ऐसे, हाँ कभी कभी इंसान चॉकलेट खा लेता है ये सब, पर मैंने पेस्ट्री की मुझे यार क्रेविंग हुई थी लिटरली यार, मैंने कहा चलो आज तो खा लेते हैं कोई बात नहीं, आज थोड़ा खाने खाने का मूड है तो खाते हैं, फिर मिरर के साथ मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा चलो निकलो बहुत देर हो चुकी है फटाफट कल्टी मारो यहाँ से, और हाँ बच्चे थे डिसाइड कर रहे थे बेचारे क्या किसको क्या चाहिए, बच्चों का यही चलता है ना डिफरेंस अलग ही रहता है, फिर छोटे बहन भाइयों के साथ जाओ किसी को कुछ चाहिए होगा किसी को कुछ, मतलब एक जैसी चीज़ें लोग लेना पसंद नहीं करते, फिर कुछ सामान था रस्ते में फेंक के मैंने निकल दी यहाँ से। अब रात का टाइम कितना अच्छा हो जाता है ना, लाइट वाइट है और मतलब बारिश भी हो रही थी तो क्लाउड बड़ा अच्छा हो रहा था, मतलब वेदर बड़ा अच्छा सा हो रहा था, तो देखो कितना मज़ा आ रहा था मुझे यार वॉक करते हुए रात को, लाइटिंग में मज़ा आता है यार ऐसे ना, मार्केट में कभी हो आपको तो अच्छा लगता है वॉक करते हुए, एंजॉय करती हूँ बस। देखो तो मैं सब तरफ देख रही थी और मुझे एक भी ऑटो नज़र नहीं आ रहा था जाने के लिए, मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई थी, मुझे लगा यार अब क्या होगा, अब एक भी ऑटो नज़र नहीं आ रहा मैं घर कैसे जाऊँगी, बस वॉक कर रही थी, मैंने कहा चलो पहले रोड क्रॉस कर लो उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना, ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो होगा होगा। यार एक भी ऑटो नज़र नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, तो मैं बस ऑटो का वेट कर रही हूँ और एक भी ऑटो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये अंकल जाने को तैयार ही नहीं थे, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा और देखते हैं, मिलेगा मिलेगा, जब दिख रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा, कोई तो आएगा, ऐसा तो नहीं है, बट टाइम ही ज़्यादा नहीं हुआ था तो ऐसा कोई डरने वाली बात तो थी नहीं, डरने वाली बात क्या, अभी तो शाम हो रही है बस अभी, तो फाइनली मुझे एक ऑटो मिल चुका था और मैं घर के लिए वापस आ गई। और ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है, यहाँ पर सारा स्ट्रीट मतलब शाम के वक्त पे यहाँ पर स्टॉल्स लग जाते हैं, आपका फेवरेट यमी यमी खाने यहाँ पर हर कुछ मिलता है। सो बस यही था ये ब्लॉग, यही था खाने के ऊपर था थोड़ा सा, जो कि मुझे बहुत वेट कराया, तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस।